का साधन सदन ताल यंत्र। ताल यंत्र में एक ताल दो ताल ऐसा कटोरे जैसा बना होता है तो ताल यंत्र है। कान का मैल निकालने का देखा होगा सबने, है ना, उसने उसको नहीं दिखाया है वो ताल यंत्र। एक तरफ एक ताल बना हो तो एक ताल यंत्र, दोनों तरफ बने हो तो दो ताल, ठीक है ना। स्कूप बना हो तो कोई भी पस कलेक्शन है उसको वहाँ से निकाल सकते हैं, तो वो हो गया। नाड़ी यंत्र जिसके द्वारा कोई चीज देखी जाती है वो नाड़ी यंत्र है। ये एक नाड़ी यंत्र है, हम यहाँ से देख सकते हैं भीतर अंदर क्या है, यहाँ पे है ना, उसको देख सकते हैं। ये है प्रोक्टोस्कोप, फाइल्स को, प्रोक्टो मतलब फाइल्स, फाइल्स को देखने वाला स्कोप, ठीक है ना, प्रोक्टोस्कोप। ये नाड़ी यंत्र है, ये नाड़ी यंत्र में एक स्टीलेट होता है। अब हमने ऐसे ही यदि इसको एनल कैनाल में डाल दिया अंदर तो एनल कैनाल की म्यूकोसा को ये काट सकता है, ट्रॉमेटाइज कर देगा, ट्रॉमेटाइज कर देगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। तो उस ब्लीडिंग से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए ट्रोकार इसमें लगा देते हैं। ट्रोकार लगा दिया, चिकना है बिल्कुल, फिट बैठ गया है। यहाँ पे जेलोफिन जेल लगाया, इसको भीतर प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराने के बाद इसको यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं, निकालने के बाद यहाँ से टॉर्च की लाइट देखते हैं तो टॉर्च की लाइट अंदर जाती है और अंदर जो भी हैं चीज़ें हैं उनको दिखाई देती है। इंटरनल फाइल मास है उनको दिखाई देती है। ये प्रोक्टोस्कोप, ठीक। सुषुम्ना में दो प्रकार के अर्शो यंत्र होता है, ये वास्तव में एक अर्शो यंत्र है। नाड़ी यंत्र कई एक है, उसमें अर्शो यंत्र भी एक है। तो एक अर्शो यंत्र ये बताया है देखने के लिए, दूसरा अर्शो यंत्र बोला है चिकित्सा कार्य करने के। दो प्रकार के अर्शो यंत्र होता है, चिकित्सा कार्य करना है यानी उसमें जो पाइलमास हमको है अर्श दिखा है उस अर्श में क्षार को लगाना है। और हमने यहाँ से क्षार को देख लिया है, अर्श को देख लिया है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से क्षार को लगाना बड़ा मुश्किल काम, डिफिकल्ट काम है। तो उसके लिए जो उन्होंने डिज़ाइन बताया था वो डिज़ाइन हमने यहाँ पे ये करवाया है, मार्केट में नहीं आता है। ये अर्शो यंत्र है, हमने क्या किया उसका जो ये टिप था उस टिप को यहाँ पे वेल्डिंग करा दिया, ठीक, यहाँ पे एक छेद करा दिया और यहाँ छेद से जो प्लेट निकली उसको यहाँ पे वेल्डिंग करा दिया, यहाँ से कट करके टिप को यहाँ। अब ये वेल्डिंग क्या हुआ, ये इसमें यहाँ पे ऐसे लगता है। हमने देख लिया इसकी सहायता से कि अर्श कहाँ पे है, 3711 कहाँ पे है। तो इसको हमने भीतर प्रवेश किया, प्रवेश करने का इसको निकाल दिया, ये 3 o'clock को पहुँच गया। तो अर्श जो पाइल मास है वो यहाँ से अंदर आ जाएगा, ये ठीक है, अंदर आ गया। अंदर आ गया हमने यहाँ पे आराम से छार लगा दिया, तो छार केवल अर्श में लगेगा, बाकी की म्यूकोसा में नहीं लगेगा, बाकी की म्यूकोसा डैमेज नहीं होगी। छार लगाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे उंगली से अर्श को पुश करके ऊपर कर दिया और इसको फिर से लगा करके बाहर निकाल दिया। ये चिकित्सा कार्य करने के लिए अर्शो यंत्र है, ये देखने के लिए अर्शो यंत्र। ये डिज़ाइन हमने किया है, ये मार्केट में।